यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने जहर की, और काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि नाश्ता दिया इन लोग को स्कूल से आने के बाद, फिर काम वाम किए सारे, फिर नमाज़ की तैयारी करी, और यहाँ पेपर है इनका इंग्लिश का, यहाँ तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और मैं चलती हूँ नमाज़ पढ़ने। ठीक है, नमाज़ पढ़ने के बाद सब दुआ वगैरह करने के बाद फिर आप लोगों से मैं आगे की रूटीन शेयर करूँगी। ठीक है, स्कूल टाइम हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फ्रेश करने जा रही हूँ बच्चों के स्कूल के। यहाँ पे तकरीबन इस टाइम हो रहे हैं 7:30 बज रहे हैं, और सुबह सुबह का जो फेस है ना नींद वाला, वैसे आता है आँखों के साथ तो मेरी तो कुछ ज़्यादा ही स्वेलिंग हो जाती है आइस में, इसलिए थोड़ा सा वाइट कर रही हूँ अभी वीडियो को। और अलार्म मेरे उठने के बाद बज रहा है, वाह भी वाह, चलो डिसमिस। और यहाँ चले मैं प्रेस कर रही हूँ, बाहर आपको रोशनी दिखाती हूँ सुबह के साथ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ पे फिर बच्चे स्कूल जाएंगे, धूप भी बहुत अच्छी आई है। यहाँ अब्बू के कपड़े धो रहे थे थोड़े से, वो भी सूख रहे हैं, और वाइट कपड़े होते हैं ना, इनका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो जो है चले मैं प्रेस करती हूँ, फिर मिलते हैं। स्कूल से बच्चे अब आने वाले हैं, सुबह उठने के बाद मैंने अपने मियाँ को हस्बैंड को नाश्ता दिया, उसके बाद जो है अब टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बज रहा है, तो मैं पहले से ही बना के जल्दी से नाश्ता रख रही हूँ बच्चों का। यहाँ चाय बन चुकी है, आज सिर्फ चाय पराठा है, और मेरे बेटे को चाय पराठे के साथ कुछ ना कुछ चाहिए, तो अचार चाहिए या अंडा चाहिए, जो भी अंडे वगैरह बहुत ज़्यादा महंगे भी हो गए हैं और अच्छे भी नहीं आ रहे, बहुत ख़राब अंडे दे रहे हैं अक्सर जो है, अगर 6 अंडे खरीदो उसमें से 4 तो ख़राब ही निकलता है अजीब से, तो वो दिल भी नहीं चाहता। तो जो है मैं यहाँ पे पराठा और उसको घर का बना हुआ अचार दे दूँगी, और मैंने भी सुबह नाश्ता नहीं किया, थोड़ा सा मूड सही नहीं था तो इसलिए जो है नाश्ता नहीं करा मैंने, अब मैं नाश्ता बच्चों के साथ करूँगी, तो फिर हम लोग बनते हैं नाश्ते पे। स्कूल से आ गए हैं बच्चे, और अब नाश्ता बिल्कुल फाइनली एंड पे, फिर हम लोग नाश्ते में मिलते हैं। मर्दे मर्दे तले हुए हैं, ये देख सकते हैं हम लोग शोर को, और खामोशी से हम यहाँ नाश्ता करेंगे, आपको नाश्ता करते हुए दिखाती हूँ। ये देखें, ये रहा नाश्ता, ये रही चाय मेरी, ये इन दोनों की चाय, ठीक है, और वो आ रहा उनका अचार, मैंने बताया था ना अचार के बगैर तो चलता ही नहीं है, रोज़ का इनका चार है, ये रहा तो नज़र आ रहा है, तो जिसको खाना है आ जाइए प्लीज़ कम। हाथ मुँह धो लिया, फिर जो है हम लोग नाश्ते करने बैठ गए, और बड़ा अंधेरा संधेरा जो छा रहा है ना, वो इसकी वजह से छा रहा है, वो हमारी अनाबिया सो रही है तो उसकी वजह से अंधेरा हो रहा है। हमने नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है अब 4 बज गए हैं, बहुत सारे काम भी किए उसके बाद, जो हम इसको खिला रहे हैं ओ मुनी सेरिलैक, तो सेरिलैक तो फिनिश हो ही गया है तकरीबन इनका, उसके बाद ही आपसे शेयरिंग कर रहे हैं हम। अब मैं बैठूंगी बच्चों को पढ़ाने पेपर का, क्योंकि आज इनका फर्स्ट पेपर था, अब सेकंड पेपर है। ओ गुच्छा रहे भाई, इनको कौन खिला रहे हो? हाँ अच्छा चलो फेस वॉश कराऊं, गुस्सा रहे गुच्छा, अच्छा भाई ये बहुत गुस्सा कर रही है, हम इनका फेस वॉश कर, अनाबिया बेबी का कर रही है, अनाबिया बेबी का कर रही है, ये देखो ये देख रहे हैं आप, ये क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रही है, ये अपने जो घुटने हैं ना पैर हटाओ, और उसको उठने की कोशिश करती है, क्यों क्या कर रहे हो? बंद करो इसको, डिलीट करो,
और ये बहन है, ये एक ये बहन है, ये दोनों देखें कितनी मुख्तलिफ है। यानी कि ये वाली जो है ना बड़ी वाली, ये सब कहते हैं बिलाल मामा से मिलती है, और वो छोटी वाली जो है ना वो अपनी मम्मा से मिलती है, इसलिए सबसे क्यूट और खूबसूरत माशाल्लाह। हाँ हाँ दिख रही है ना मुन्नी, और ये देख रहे हैं इनकी वीडियो, और ये हो रहा है यहाँ पे खेल। तो बेटा पेपर का याद कर लो, 5 बजने वाले हैं। लाइबा लाइबा गुड इवनिंग, जल्दी से उठ जाओ फटाफट। अरे हमारी अक्कू को देखें, अभी दिखाते हैं आप। ये तो रोती ही रहती हैं, कैसे रोती हैं, ये तो रोती ही रहती हैं। ओ थूक ही फेंक दिया इन्होंने तो। चले हम रुमाल से इसको साफ करते हैं। ऐसे नहीं करते गुड़िया, ऐसे नहीं करते। हाँ कौन है ये, आपने हेलो बोला, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन गए है? लाइबा लाइबा, और ये जो कल कपड़े धुले थे ना यहाँ रखे हुए, अभी इनको तय करना है ना, तय करना है ना। हाँ तो चले हम, मैं इन लोग को पढ़ाती हूँ, फिर आते हैं शाम में। क्या बना दिया के काम, इनको मिली चॉकलेट तो ये फौरन हो गई खुश, मुँह में ये चॉकलेट डाली, और पता है जरासीम होते हैं बाहर गंदगी होती है, लेकिन नहीं मुँह में जानी है, सारी चीज़ें मुँह में जानी है, गंदी गंदी चीज़ें ये लोग भी खा रहे हैं बाहर की, और ये लोग भी खा रहे हैं। लाइवा को तो सो के उठ के बदल गया, सो चीज़ के नाम से फौरन उठ गई, पढ़ने के नाम से नहीं उठती। चलो कॉपीज लेकर आओ, कौन सा पेपर है सेकेंड, मैं लेकर आओ, मैं सर पढ़ाने आएंगे, नहीं तो लेकर आओ। तो अनाबिया आप क्या खा रही हैं, हैं अनाबिया क्या खा रही हैं आप, कीबू कीबू खा रही हैं, ओ ओ कीबू तो गिर गया। यहाँ हो गई है शाम, और अब्बू अचानक आ गया, अचानक अब्बू आने के बाद फिर उन्होंने बोला खिचड़ी बना दो, खिचड़ी बनाने के बाद जो है मैंने उनको खाना खिलाया, खाना यानी खाना दिया, खाना के बाद जो है वो गए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास से देखें हम वो कहाँ जाते हैं, और यहाँ पे हो रही है अनाबिया रेडी, ये देखिए अनाबिया रेडी होने के बाद हमारे घर एक और मेहमान पीछे देखें, वो चील आई है हमारे घर, अटना ला रहे थोड़ा सा, और ये हर बार ऐसी बैठी रहती है और झाँकती रहती है हमारे घर पर, तो चील का आना तो अच्छा तो नहीं होता कहते हैं, लेकिन जो है ना अब क्या करें, इसको कहाँ भगाएं बेचारी का, ये क्या पता यही घर हो। तो मैं अब तकरीबन मगरिब भी हो गई है, सारे काम भी हो गए हैं, अब मैं सुकून से बैठने के बाद लाओ यहाँ लेटा हूँ तो कल देखो, तो इसको करने के बाद जो है कंघा करूँगी, कंघा करने के बाद अल्लाह ये बच्चे मेरे, अरे भाई मेरे बाल तो देख सकते हैं, बच्चों का होना ये होता है, ये देखें एक बाल खींच रहा है, एक खाल खींच रहा है, एक सर खींच रहा है, तो यही होता है भाई बच्चे होते हैं ना। और तो खैर ये क्या कहते हैं, अब जो है कपड़े लेके बैठेंगे, एक रे कपड़े धुले हुए, अब हम इनको करेंगे तय, और तय करने के बाद रखेंगे अलमारी में, अलमारी में रखने के बाद हम इसको तो क्या करेंगे पता नहीं, तो हम रात का खाना खाएंगे फिर, नहीं आओ बाल छोड़ो लाइफ, देखो जरा ये हमारे बच्चे हैं, ओ अच्छा इधर करो हाथ इसका, ये देखें हमारी बेटी अक्को, ये देखें ये कौन है, ये कौन है, ये हमारी डिग्गू भाभी है, ये हमारी कौन है, हमारी कौन है, ओ पिकअप 216 मैन हो तुम, कौन सी मैन हो तुम, ये क्या होता है पिकअप द सोलो मैन, वो नाराज है अभी ना, अभी बात करना नहीं चाह रही, ओके तो हम करते हैं अपने बारे में गंगा, फिर मिलते हैं। यहाँ पे मैं दे रही हूँ अपने अब्बू को डॉक्टर के पास से आने के बाद 2 स्लाइस और एक सादा सा अंडा जिसमें सिर्फ नमक और हरी मिर्च काट के डाली है बस, और यहाँ फीकी चाय बन रही है, और यहाँ पे जो है मैंने अंडा डाला था इसलिए अब मैंने बर्तन जो है वॉश करने हैं, उसके बाद जो है अंदर मैं जाऊँगी बच्चों को देख कर।
यहाँ छोटे वाले भाई से मैथ समझ रहा था मेरा बेटा, और यहाँ हम लोग सब बैठे हुए थे, दूसरे कमरे में अबू थे। तो बस मेरी वीडियो का यही छोटा सा शेयरिंग थी, और जो है बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर रात जाहिर सी बातें हो गई है, फिर हम लोग सोएंगे, सुबह स्कूल जाना है इसलिए। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ अच्छा सा लाइक कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर दें, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।